खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गांव की है, जहां वैवाहिक कार्यक्रम के पास गाली गुप्ता कर रहे लोगों को एक परिवार ने टोका तो उसके ऊपर ही आरोपियों ने हमला कर दिया। मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोगों को चोटें पहुंची हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट करने वालों में भरत कोल, अज्जू कोल समेत दीपू कोल बताए जाते हैं, जबकि घायलों में नीरज शुक्ला, शंकर शुक्ला, सुशीला शुक्ला शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि आरोपियों के द्वारा घर के सामने गाली गलौज की जा रही थी। विवाद उनके घर के सामने था, इसलिए उन्होंने किसी की बहन बेटी को गाली देने से रोका तो आरोपियों ने उनके ऊपर ही प्राण घातक हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। सुनते हैं पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। क्या नाम है? हमारा नाम शंकर शुक्ला। शंकर शुक्ला। और कौन कौन घायल है? नीरज शुक्ला और सुशीला शुक्ला। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि एक प्रजापति के यहाँ पर रात आई थी, आदिवासी लोग वहाँ पे मारपीट मचा रहे थे। हम लोग मना कर दिए, हमारे द्वार थे तो हम लोग मना कर दिए कि किसी की बहन बेटी की शादी है, वहाँ झगड़ा विवाद मत कर, जा बदनामी होती है, तुम सब हम लोगों को भी मारने लगे। बोलो, मारने वाले कहाँ के हैं? गाँव ही के हैं सर। क्या नाम उनका? नाम है एक का डिप्पू कोल है, एक फारस कोल है और एक अज्जू कोल है, एक कहरू कोल है। घटना कहाँ की है? घटना कप्सा पंचायत का। थाने में शिकायत हुई है? थाने में शिकायत हुई है सर। कौन सा थाना? ये थाना चौराहा। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.